श्री राधे राधे। भक्तों, अपने प्रभु का नाम, अपने प्यारे का, अपने प्रियतम का नाम कोई भाव विभोर होकर बोल रहा हो तो भक्त को लगता है कि इनके चरणों में लौट जाऊं। ये कितने महान हैं जो हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे प्यारे का नाम इतना स्नेह से बोलते हैं। इस सहज स्वभाव होता है भक्त का। कल आप श्रवण कर रहे थे मधु, जो आगे चल के मधुसूदन दासी बन जाती है, उसके उस चरित्र को कि जब वो पहली बार नेपाल से शिव वृंदावन धाम पधारती है, अब वो एक सयानी लड़की हो गई है। उसका मन कृष्ण के अतिरिक्त दूसरी जगह कहीं जाता नहीं। कृष्ण के ही कारण श्री वृंदावन धाम में उसका मन ऐसा लग चुका है कि वो पिछले जन्मों के संस्कार के कारण स्वतः ही अपनी ससुराल वृंदावन बताती है और अपने प्रीतम पति का नाम श्री कृष्ण बताती है, और भाव विभोर अवस्था में पूरे रास्ते वृंदावन वृंदावन और श्री कृष्ण बोलती हुई श्री वृंदावन धाम में जब पहुंची है। मथुरा से वृंदावन आई है वो तांगा से अपनी दादी के साथ, और जब उसको दादी ने बताया वृंदावन है सम्मुख, महाराज तांगे से कूद गई, तांगा रुके रुके इतने से पहले कूद गई और वृंदावन की रज में लौटने लगी, दंडवत किया फिर लौटने लगी। और कोई व्यक्ति दिखलाई पड़ता था, राधे राधे बोलता था, तो भले ही वो रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, वो उसको प्रणाम करती थी, सिर जमीन पर रख के प्रणाम करती थी। फिर कोई बोलता था राधे राधे, फिर उछलने लगती थी, नाचती थी, उछलती थी। भक्तों, मधु की दादी नेपाल से ही वृंदावन में कहाँ रहना है, कहाँ जाना, उसका पता किसी परिचित से मांग करके ले आई थी। उसको अपने साथ लड़की लाई थी ना, इसलिए चिंता थी कि ये मेरी जो पोती है इसकी सुरक्षा मुझे करनी है। बूढ़ी थी दादी, इसलिए उसको मधु की बहुत चिंता थी। यही कारण था कि नेपाल से ही वो पता लेकर आई थी कि वृंदावन में हमको कहाँ रहना है। मोती झील रोड में एक बड़ा प्राचीन स्थान है, युगल भवन, भजन करने की जगह, पुरानी जगह। भजन करने वाले साधु उस समय ज़्यादा ही रहते थे वहाँ, और मूल रूप से यह स्थान नेपाल के एक सिद्ध महात्मा श्री चक्रपाण शरण देव द्वारा स्थापित था। उनके शिष्य श्री राधिका शरण देव उस समय इस स्थान को संभाल रहे थे जब मधु आई थी। और महाराज गुरुदेव जो थे चक्रपाणि शरण जी, वो तो भजन परायण थे, और उनके शिष्य राधिका शरण देव जी आश्रम की व्यवस्था देखते थे, बहुत उद्भट विद्वान थे। मधु की दादी इसी स्थान में आई, युगल भवन में, जो मोती झील रोड पर है। भक्तों, मोती झील रोड अखंडानंद जी महाराज के आश्रम के निकट में है, बिल्कुल उनके गेट से ही वो रोड निकलती है। मोती झील मोहल्ला बोला जाता है वो। मोती झील जो है पास में ही है महाराज जी के आश्रम के पास, और हमारा भक्ति आश्रम भी इसके निकट में ही है। बस रेलवे लाइन के एक तरफ अर्थात इस पार भक्ति आश्रम, उड़िया बाबा आश्रम, हरि बाबा आश्रम, और उस पार अखंडानंद जी महाराज का आश्रम मोती झील आदि। तो मधु की दादी इस स्थान में युगल भवन में आई, और मधु की दशा उस समय भाव से अभिभूत थी। वो चारों ओर देखते हुए आनंदित होती चल रही थी।
लताओं को देखती थी तो उनको प्रणाम करती थी। भक्तों उस समय आज के जैसा शहर नहीं था वृंदावन जब वो आई थी, तो यहाँ वृक्ष लताएं कुंज निकुंज ये सब बहुत ज़्यादा थे, तो लताओं को देख करके उनको प्रणाम करने लग जाती थी। किसी ब्रजवासी को देखती तो उनको प्रणाम करती, और दादी डरी हुई थी क्योंकि वो अपने को यहाँ एक अनजान मानती थी और यहाँ के लोग उसको अनजान लगते थे। तो स्वाभाविक था, नेपाल के भोले भाले लोग, अनजान स्थान ही तो है वृंदावन उनके लिए। लेकिन इस कन्या को जो कृष्ण की महान भक्ता, उसको अनजान नहीं लगता था स्थान, दादी को स्थान अनजान लगता था। और दादी सोचती थी मेरे साथ एक युवा लड़की है, मैं वृद्धा हूँ, इसलिए वो थोड़ा डरती थी। और मधु बोलती थी, दादी ये ब्रजवासी है ना, इनके चरणों में प्रणाम करने से भगवान की कृपा होती, आशीर्वाद मिलेगा, तभी तो वृंदावन वास मिलेगा हमको। राधे 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 कोई भी जरा सा इधर उधर से बोलता हुआ भी निकल जाता तो मधु राधे राधे कहते हुए नाचने लग जाती थी। और उसकी दादी उसे रोकती, अरे रुक जा रुक जा, सबके साथ सबके सामने इस तरह से नाचते नहीं बेटा। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली, वो तो जिसने राधे राधे बोला उस कोई भी हो उसके सामने नाचने लग जाती। मोती झील नामक मोहल्ले में आ गए लोग और जुगल भवन में इन्होंने प्रवेश किया। दोपहर का समय था और सत्संग चल रहा था। परम विद्वान संत श्री राधिका दास जी महाराज भागवत के आधार पर सत्संग कर रहे थे। मधु और उसकी दादी वहीं बैठ गए सत्संग में, और सत्संग दोनों को ही प्रिय था, तो इस स्थान में अधिकतर लोग नेपाल के ही थे। दादी ने एक को पहचान भी लिया, वो आई और इनका सामान ले करके कमरे में चली गई। दादी उठी और मधु को भी चलने के लिए बोली, पर मधु ने दादी से कहा, तुम जाओ दादी, मैं आती हूँ, सत्संग कितना सुंदर हो रहा है, अब सत्संग में मुझे बैठी रहने दो थोड़ी देर। दादी बोली, मधु अरे नहा ले कुछ खा ले। वो बोली कि दादी तुम जाओ, यहाँ के रज में मैं नहा तो ली हूँ, और रही खाने की बात तो अभी मुझे भूख नहीं लगी। भोजन से आनंद आ सकता है, आनंद भोजन की पूर्ति क्यों कर सकता है? भोजन जो है खाने का आनंद आएगा उसमें। और संसार के लोगों की दृष्टि से तो अच्छा भोजन मिल जाए तो उसी में आनंद आ जाता है। हाँ, ये भगवान के भक्त प्रसाद के भाव से पाते हैं, जो उनका सहज स्वभाव है तो प्रसाद में तो आनंद आता है, लेकिन स्वाद की बुद्धि उनकी नहीं रहती। और मधु तो बस महाराज जी के मुखारविंद से निश्रित जो शब्द थे भगवान की कथा के, सत्संग के, उनको सुनती रही। और राधिका दास जी भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण जो एकादश स्कंध में बोलते हैं ना, देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम, वही श्लोक बहुत भाव से कहते हुए उसका भाव, उसकी व्याख्या सुना रहे थे। और महाराज जी केवल एक वक्ता ही नहीं थे, भगवान के भक्त थे, इसलिए बड़े भावपूर्ण शैली में प्रेम से बोल रहे थे और बता रहे थे कि ये मानव देह दुर्लभ है, मरने के बाद ही समझ में आता है, जब किसी दूसरे शरीर में वो पहुंच जाता है जीव, वो भी याद नहीं रहता जल्दी किसी को। महाराज जी कह रहे थे मानव देह दुर्लभ है, पर ऐसा दुर्लभ मानव देह हमारे लिए सुलभ हो गया है, और कितने आनंद की बात है कि हमें गुरु रूपी केवट मिल गया है, जो अनुकूलता भगवान की मिली है ना, वो अनुकूलता रूपी वायु चल रही है,
ठाकुर जी ने सब कुछ हमारे लिए सुलभ कर दिया है, फिर भी ये भगवत प्राप्ति की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम आत्महत्यारे ही तो हैं। और महाराज मधु जोर से रोने लगी और महात्मा के चरणों में गिर गई। कई विरक्त शिष्य थे, उन्होंने देखा कि और तो कोई चरणों में नहीं गिरी, ये लड़की गिरी हुई चरणों में, तो मधु को पकड़ करके वहां से हटाना चाहा, पर मधु ने चरणों को कस कर पकड़ लिया था, वो उठने को तैयार नहीं थी और कहने लगी, हे गुरुदेव मैं आत्महत्या नहीं करनी चाहती, आपने कहा ना जो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते वो आत्महत्यारे हैं, तो मैं वो आत्महत्यारे नहीं बनना चाहती। और इस जीवन को श्री कृष्ण चरणों में लगाना चाहती हूँ गुरुदेव, आप कृपा कर दीजिए। तो महात्मा जी समझ गए कि ये सबसे अलग है, भाव से भरी हुई है। उन्होंने संकेत करके अन्य लोगों को रोक दिया कि इसको मत हटाओ, और मधु को देख करके महाराज जी मुस्कुरा रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था कि ये बहुत संस्कारी जीव है, लगता है पिछले जन्म से ही भक्ति प्राप्त है इसको। दादी को किसी ने सूचना दे दी थी कि वो तो महाराज जी के चरणों में पड़ी हुई जो कथा सुना रहे हैं, और वो दौड़ करके आई, मधु को महात्मा जी के चरणों में गिरी हुई देखा तो दादी बोली, महाराज जी इसको क्षमा कर दीजिए, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, ये ऐसी आपके चरणों को पकड़ करके रो रही है। ऐसा कहते हुए मधु की दादी मधु को उठा रही थी। तो महाराज जी तो बहुत ही महान थे, वो बोले, अरे कुछ अपराध जब किया नहीं तो क्षमा क्यों मांग रही हो तुम, न तुमने कोई अपराध किया न इस लड़की ने अपराध कोई किया है, तो कहे क्षमा मांग रही हो, जाओ अभी आज संध्या को सत्संग में मिलना। इतना कह करके भेज दिया महात्मा जी ने, और भाव की स्थिति शाम तक बनी रही उसी तरह। मधु उसी भाव में डूबी हुई थी जो सत्संग में सुनाया गया था। उसकी दादी ने देखा, क्या इस अवस्था में मैं मधु को बांके बिहारी जी दर्शन करने ले जाऊं? फिर विचार किया, यही इतनी भावोन्माद में भर गई है, फिर बिहारी जी में तो पता नहीं क्या होगा, वहाँ इसकी दशा क्या होगी, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। इसी चिंता में वो मधु को नहीं ले गई बांके बिहारी, एक परिचित के साथ दादी चली गई दर्शन करने, और मधु को कमरे में छोड़ दिया। एक भक्ता रहती थी उसके पास, और वो मधु को संभाल रही थी, इसलिए वो निश्चिंत होकर चली गई। तो जब वो लौट करके आई तो बोली मधु, दादी तुम हो आई बांके बिहारी जी, क्या दर्शन कर लिए? अब मधु उसको स्वस्थ लग रही थी दादी को, तो अब उसकी सत्संग में जाने की तैयारी थी। दादी तो डरती हुई आई थी, दादी को लग रहा था मधु हंगामा मचा देगी कि मुझे क्यों नहीं ले गई बांके बिहारी जी मंदिर में, लेकिन मधु ने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो शांत बैठी थी, पीले वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे थे ना बिहारी जी। मधु ने सहजता से ऐसा बोल दिया, मधु गई नहीं थी बांके बिहारी मंदिर, लेकिन यहाँ कमरे में ही बैठी बैठी वो बोल दी दादी से कि पीले वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे थे बांके बिहारी जी ना। दादी चौंक पड़ी, तुझे किसने बताया कि पीले वस्त्र पहने? तो मधु बोली, दादी बिहारी जी मुझे दर्शन दे गए, यहाँ बैठकर मुझसे उन्होंने बहुत देर तक बात की, मेरे सिर में हाथ रखा और मेरे सिर पर हाथ रख कर के कहा, तू मुझे प्यारी लगती है, तू यहीं रहना,
अब मत जाना। पर मधु जाना तो पड़ेगा, दादी बोली मधु जाना तो पड़ेगा अपने को, हमारा यहाँ घर तो नहीं, हमारा घर तो नेपाल में है। दादी बोल रही थी कि अपना घर तो नेपाल में, इसलिए जाना पड़ेगा बेटा। पर मधु कह रही थी दादी अब कहीं नहीं जाना आना, अपना घर अपना गांव कहीं नहीं है, बस ये वृंदावन ही अपना है, यही है अपना देश, यही है अपना गांव, जहाँ केवल आनंद का राज्य है, दुख नामक कोई चीज नहीं है, जहाँ केवल कन्हैया की भक्ति है, प्रेम है, वही तो जगह अपनी है। और महाराज मधु दादी के गालों को चूमते हुए सत्संग में गई, बोली कि दादी अपना गांव यही है, अब गांव जाने की बात मत करना। भक्तमाल की कथा सुनाते थे संध्या आरती के बाद श्री राधिका दास जी महाराज, और आज कथा थी करमैती बाई की, राजस्थान की भक्ता। भक्तों मैं आपको करमैती बाई की कथा, करमैती बाई माता की चरितावली सुना चुका हूँ, वही चरितावली वही कथा सुनाई जा रही थी, श्री राधिका दास जी महाराज सुना रहे थे और बता रहे थे कि विवाह होने वाला था इनका, पर ये तो भाग गई, पिता राजगुरु थे वो खोजने निकले, करमैती बाई भाग कर वृंदावन आ गई थी। पिता खोजते हुए चलते हुए ढूंढते हुए वृंदावन आए। करमैती के पिता अपनी बेटी को खोजते खोजते बहुत परेशान हो चुके थे ना, तो जब वृंदावन में देखा है भजन करते उसको, तो क्रोध में भर के बोले करमैती तुमने हमारी नाक कटा दी। तो करमैती हंसने लगी। अब पिता चकित हो गया कि मेरे डांटने पर ये डर नहीं रही, हंस रही। तो पिता ने पूछा तू हंसती है, मैं इतना डांट रहा हूँ क्रोध से तू हंस रही है। तो करमैती हंस के बोली पिताजी नाक थी कहाँ जो कटेगी, नाक तो अब भी है आपकी, यदि आप भजन में लग जाओ, नहीं तो नाक ही नहीं आपके पास। आपकी बेटी ने मरण धर्मा पुरुष को न वरण करके एक अविनाशी प्रभु श्री कृष्ण का वरण किया है पिताजी, यही नाक है आपकी, उत्सव मनाइए। आप क्यों नहीं उत्सव मनाते, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? एक काल के गाल में फंसे पुरुष से विवाह होता तो आप कितना उत्सव मनाते, बाजे बजाते। और मैंने उस परम पुरुष को वरण किया है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। अब मेरी मांग कभी सिंदूर से रिक्त नहीं होगी, और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिससे विवाह होने पर मेरी मांग सदा सिंदूर से भरी रहती, कभी न कभी तो वो मर ही जाता है। अब जिससे मैंने विवाह किया है पिताजी, वो सदा रहने वाला है, और इसलिए आपकी नाक कटी नहीं है, आपकी नाक सुरक्षित हो गई है। ये महाराज करमैती बता रही थी, अपने पिताजी को बोल रही थी जब वृंदावन में वो आए थे मिलने के लिए। वो वापस ले जाने के लिए आए थे लेकिन वो तो गए नहीं। ये कथा सुनते सुनते मधु रोने लगी, और बहुत जोर जोर से रोने लगी, हिचकियाँ बढ़ गई रोते रोते, और कहने लगी मैं भी उन्हीं को वरण करूँगी, मैं भी उन्हीं कृष्ण को ही वरण करूँगी, दूसरे को नहीं। सबके सामने मधु रो रही थी जोर जोर से, और कह रही थी अब आप ही भगवान मुझे श्री कृष्ण से मिला दीजिए। वो भाव के उन्माद में थी, चीखने पुकारने लगी, उसे कुछ स्मरण नहीं है, बस अब उसे अपना प्यारा कृष्ण चाहिए। और गुरुदेव जो कथा सुना रहे थे ना राधिका दास जी महाराज, उनका चरण पकड़ लिया और कहने लगे मुझे दीक्षा दीजिए।
जब श्री राधिका दास जी ने पूछा तुम क्या चाहती हो, तो मधु ने यही कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ कर कृष्ण के हाथों में दे दीजिए बस, और मुझे कृष्ण की प्यारी बना दीजिए, मेरे प्रियतम वही हैं, मेरा विवाह उनसे करा दीजिए। तो बोले ठीक है, कल मैं दीक्षा दे दूंगा। महात्मा सिद्ध थे, वो समझ ही गए कि कोई साधारण कन्या नहीं है, इसलिए परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कल का समय दे दिया उन्होंने दीक्षा के लिए। भक्तों, दूसरा दिन जब आया, प्रातःकाल ही महाराज जी ने कृपा करके मधु को बुला लिया। बहुत प्रेम से भगवान को याद करके मनी मन प्रभु से प्रार्थना की कि आपकी दासी है, आप इसको स्वीकार करिए करुणा सिंधु, और शंख चक्र की शीतल छाप लगा दी और ललाट पर ऊर्ध्वपुंड तिलक निम्बार्क संप्रदाय का लगा दिया, और अष्टादशाक्षरी गोपाल मंत्र और युगल महामंत्र मधु को प्रदान किया गुरुदेव ने, और मधु का नाम अब रख दिया मधुसूदन दासी। मधु की जगह मधुसूदन दासी नाम प्रदान किया है गुरुदेव ने। पर विचित्र है, बांके बिहारी ये परीक्षा भी अपनों की ही लेता है, गैरों से इसे मतलब ही नहीं, गैर लोगों से क्या इसको मतलब, इसको तो अपने जो प्रिय है ना उन्हीं की परीक्षा लेना पसंद करता है। गैर लोगों के लिए तो पाप पुण्य का विधान है, जो जैसा कर्म किया होगा वैसा फल भोगेगा पाएगा। जो कोई और ही देखता है, अर्थात वो तो पाप पुण्य के विधान के अनुसार जो फल देने वाले हो तो धर्मराज है महाराज, पर अपने की तो परीक्षा लेता है कन्हैया। और महाराज परीक्षा कैसी किसी लेंगे, परीक्षा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, कठिन परीक्षाएं भी होती हैं कृष्ण की। नेपाल से सूचना आई कि मधु, मधुसूदन दासी की माता जी का स्वर्गवास हो गया है। ये सुनते ही दादी तो बहुत रोई, रोई तो मधुसूदन दासी भी, लेकिन बहुत नहीं रोई। वो रोई दूसरे कारण से भक्तों, दादी तो रोई थी मधुसूदन दासी अर्थात मधु की माँ की मृत्यु के कारण, लेकिन मधुसूदन दासी रो रही थी कि मुझे वृंदावन से जाना पड़ेगा क्या। जब वो कहने लगी दादी कि चलो अब नेपाल चलो, तो महाराज मधुसूदन दासी के तो प्राण वृंदावन ही थे ना, इसलिए वृंदावन से जाने की बात सुन करके वो रो रही थी, माँ के लिए नहीं रो रही थी, वृंदावन छूट न जाए इसलिए रो रही थी। अब ये मधु जो मधुसूदन दासी हो चुकी, उसने कहा माँ मेरी तो गई जहाँ जाना था, भगवान संभालेंगे उसको, दादी मुझे वृंदावन में रहने दे, मैं नेपाल जाके क्या करूँगी। तो दादी ने समझ लिया ये तो जाएगी नहीं लड़की, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा दादी ने कि महाराज जी आप कहेंगे तभी जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी, और इसकी माता जी पधार गई हैं, अब आप आज्ञा दे दीजिए इसे, इससे घर चली जाए। अब गुरुदेव को तो पता था कि ये मधुसूदन दासी तो कृष्ण की प्यारी है, ये तो यहीं की है, यही इसकी ससुराल है, ये कहाँ जाएगी। पर गुरुदेव को भी कहना पड़ा, संसार को देखते हुए बोले, दबे मन से ही बोले कि बेटा मधुसूदन दासी जाओ नेपाल। बस ये सुनते हुए रोने लगी, धरती पर गिर पड़ी। दादी घबरा गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इसको, और तो बेहोश हो गई, और मूर्छित तो होती थी
पर इस बार ऐसा लगा कि जैसे इसके प्राण ही निकल गए। मूर्छित तो पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन इस बार ऐसी मूर्छित हुई कि लगा कि अब ये मर जाएगी। इसे जल आदि का छींटा दे करके किसी किसी तरह से उठाया गया, तो उठी तो सामने इसके गुरुदेव से बोले, मधुसूदन दासी क्या बात है बेटा, इतना क्यों रो रही हो? तो रो करके बोले, गुरुदेव मैंने सोचा था आप दीक्षा के पश्चात जो आज्ञा देंगे मैं मानूंगी, पर आपने क्या आज्ञा दी है, मैं कैसे चली जाऊं वृंदावन धाम छोड़कर? तो गुरुदेव ने कहा, बेटा तुम्हारी माता जी का शरीर शांत हो गया। तो मधुसूदन दासी ने कहा, कैसी माता गुरुदेव, आपने ही तो कहा था दीक्षा देते समय कि वह अच्युत गोत्र हो गया तुम्हारा, फिर मुझे आप कहाँ भेज रहे हो? मेरा गोत्र तो अब कभी न गिरने वाला था ना, अब मेरा तो कृष्ण का गोत्र हो गया, अच्युत गोत्र हो गया। तुम्हें विधवा हो गई थी जब बचपन में, तो मेरा श्रृंगार सब छीन लिया गया था, अब आपने मुझे श्रृंगार मेरा वापस दिला दिया, सजाया है, श्याम बिंदु दिया है, मुझे तिलक लगा दिया है, मुझे आपने श्रृंगार करके मेरे प्रियतम को दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब आप जहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं वहाँ तो मुझे सब लोग विधवा मानते हैं, लेकिन मैं तो विधवा हूँ नहीं, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? और यदि वहाँ के हिसाब से मैं विधवा हूँ तो शुभ कार्य में जाना मेरे लिए उचित नहीं होगा, तो मुझे नहीं जाना है। और गुरुदेव बोले, नहीं बेटा जाओ, तुम फिर आओगी, शीघ्र आओगी, मधुसूदन दासी तुम शीघ्र आओगी, चिंता मत करो। अब मधुसूदन दासी सोचने लगी, गुरु की आज्ञा अब मैं क्या करूं? अब आगे की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा भक्तों। आज गुरुदेव और शिष्य को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।